हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग पोलियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के जून के क्वार्टरली रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आने वाले समय में हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अमर राजा बैटरीज एक दिग्गज कंपनी है अपने ही क्षेत्र की। इसका डिटेल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। इसने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पोस्ट की है रेवेन्यू में लगभग इसने 15% की ग्रोथ पोस्ट की है और प्रॉफिट में इसने 18% की ग्रोथ पोस्ट की है। अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो इस क्वार्टर में इसने 2% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है और 24% का लगभग प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। तो अगर हम इस क्वार्टर के बेसिस पे एनालाइज करें तो एनुअली हमें लगभग 7% की रेवेन्यू ग्रोथ मिल जानी चाहिए और 3% का प्रॉफिट तो हमें अचीव कर लेना चाहिए। ये मेरे इस साल के लिए टारगेट है। अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग 28% की है। अभी रिसेंटली इसमें कुछ प्रमोटर्स में होल्डिंग चेंज हुई है। उसका डिटेल ये है कि लगभग 26% प्रमोटर्स गाला फैमिली थी इसकी और 26% ही जॉनसन्स कंट्रोल इसको होल्ड करते थे। अब जॉनसन्स कंट्रोल इस कंपनी से एग्जिट हो गए हैं क्योंकि वो अपना बिजनेस समेटना चाहते थे। वो इस क्षेत्र से, बैटरी क्षेत्र से अपना बिजनेस थोड़ा सा कम करना चाहते थे, इसलिए उसने 26% का जो स्टेक है उसको सेल कर दिया है। 2% का स्टेक उन्होंने गाला फैमिली को दिया है और बचे हुए 24% का होल्डिंग जो है उन्होंने वो पैंथर ARBL होल्डिंग को दिया है। तो अब इस तरह से इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 28% की हो गई है। ये एक गुड स्टॉक हम इसको कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर शामिल कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आने वाले हैं, जो टर्न अराउंड आने वाला है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, वो इस कंपनी को जरूर फायदा पहुंचाएगा और हम इस कंपनी में निवेश करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में हमें इसके बारे में जरूर बताएं।